ओह सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, हाँ, चलिए। मिस्टर सुरेश शर्मा ने आपका नंबर मुझे भेजा है जी जी और जी जी उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है। उनका कहना है कि आप एक पहुंचे हुए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। जी सर, जी अब सर, आई डोंट नो उन्होंने आपको क्या ब्रीफ किया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मी एंड अबाउट आवर मिशन। नहीं सर, मिशन तो उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि ज्यादा तो उन्होंने बोला था कि आप ही बताएंगे, तो उन्होंने ये बताया था कि फोन आएगा सर का, हाँ हाँ एंड आई विल कन्वे योर मैसेज एंड फोन नंबर टू यू। तो बहुत अच्छा लगा सर, आप बताएं सर। हमने उनको बोला है कि आपका जो भी मिशन होगा हम साथ में हैं, बिकॉज देखिए जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो उसमें क्वेश्चन तो होते ही नहीं, है ना। और जब आप मिशन कोई ले रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा, और आप बीजेपी कार्डर से जुड़े हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं मोदी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। जी सर, ओके तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये मिशन का नाम है क्राइम फ्री भारत, राइट? जी और बराबर। इसमें पांच सर्टेनिटीज हैं, राइट? पहली सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपकी जी सर, लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर टेक्नोलॉजी का यूज करके संभव जी सर, बनाना, राइट? जी सर, और बहुत इसमें अच्छा वो मुख्य चारों एट्रीब्यूट्स पैदा करना जो किसी जी भी एक एफआईआर में होते हैं। जी सर, अभी जब आप एफआईआर की बात करते हैं तो जनरली फुल एफआईआर नहीं होती है। तो फुल एफआईआर में जी क्या सर, होता है कि एक जो है ना, क्या घटना हुई, जी उसमें किस चीज का जो है अपराध घटित हुआ, क्या सेक्शन और क्या धाराएं लगना चाहिए, क्या कौन से एक्ट की धाराएं लगना चाहिए, और जी तीसरा जो शिकायत कर रहा है उसके सिग्नेचर होना चाहिए, और जी चौथा सर, थानेदार के सिग्नेचर होना चाहिए, राइट? जी सर, तो जी इन सर, चारों एट्रीब्यूट्स को पूरा करते हुए लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर हो। जी अब ये एफआईआर तो पैदा होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जी सर, यदि पुलिस की नियत ही एफआईआर दर्ज करना नहीं है तो नहीं है आप घोड़े को जो है जी ना तालाब पे या पानी के पास ले जा सकते हैं। घोड़े सर, को पानी तो तभी पिलाया जा सकेगा जब वो उसको प्यास लगेगी या वो पीना जी सर, चाहेगा, राइट? जी सर, तो घाड़े घोड़े को प्यासा कैसे किया जाए और उसे पानी पीने के लिए कैसे मजबूर किया जाए, इसके जी सर, लिए चार सूत्री स्ट्रेटेजी भी है, राइट? पहली स्ट्रेटेजी है उसकी लीगल। तो जी, लीगल में स्टार्ट हो रहा है कि लोगों को मालूम ही नहीं है। आपको ये मालूम है कि यदि आपके संज्ञान में कोई संज्ञेय अपराध आता है तो उसे पुलिस को रिपोर्ट करना आपकी कानूनी जिम्मेवारी है, आपको मालूम है क्या? मालूम तो नहीं था सर जी, तो यदि आप जो है ना सीआरपीसी, आजकल तो सब चीज गूगल पे अवेलेबल होती है, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सेक्शन 39 सीआरपीसी करके गूगल पे टाइप करेंगे और उसको जी पढ़िए। ये अद्भुत सेक्शन है जो कह रहा है कि भारत के हर व्यक्ति को जो है, यदि उसे संज्ञेय अपराध का ज्ञान है, उसमें धाराएं भी दी हैं जिसमें लगभग मोटे तौर पर सभी अपराध कवर हो जाते हैं, तो उसको रिपोर्ट करना आपकी लीगल जिम्मेवारी है। और यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। जी सर, और सामान्य अपराधों में क्या होता है कि पुलिस या प्रोसिक्यूशन ये सिद्ध करती है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि आपने अपराध किया है। जी इस सेक्शन में वो नियम बदल दिया गया है, उसमें कहा गया है कि जो आप इनोसेंट हैं, आपकी ये लीगल जिम्मेवारी का आप निर्वहन नहीं कर पाए हैं और आप लीगली इनोसेंट हैं, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इतना पावरफुल ये सेक्शन है, राइट? और देखिए, देश के लोगों को मालूम ही नहीं है, मतलब जिसमें आपको जेल भेजा जा सकता है, जिसमें आपको सिद्ध करना पड़े कि आप निर्दोष हैं, पुलिस को सिद्ध नहीं करना है कि आपने ये अपराध घटित किया है। इतने पावरफुल सेक्शन को जनता से छिपा के रखा गया है, ठीक है ना? तो ये पूरी अवधारणा ये कहती है कि अभी जो है वो विक्टिम बाहर भटकता है। अब विक्टिम ने जो पूरा संज्ञेय अपराध की पूरी जानकारी हमको दे दी, अब क्राइम फ्री भारत जो है ना उसको लीगल रिकॉर्ड्स लेगा, तो वो जाके कहेगा कि मैं सो एंड सो भारत का नागरिक हूं और मेरे ध्यान में ये संज्ञेय अपराध आया है जिसकी ये डिटेल्स हैं, हाँ,
और ये जो है ना प्रूफ है, और मेरी कानूनी जिम्मेवारी है कि ये मैं आपके संज्ञान में लाऊं, राइट जी सर जी। तो और आपकी कानूनी जिम्मेवारी है 154(1) सीआरपीसी में कि आप इसमें अपराध पंजीयन करके विवेचना करें, तो हमने अपने मैं अपनी कानूनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूँ, कृपया आप भी अपनी कानूनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें, ठीक है ना। अब उसी में जो है कि यदि एसएचओ ना सुने तो आप एसपी के पास जा सकते हैं, ये उसी 154 की पैरा 3 में दिया हुआ है, राइट। और उसको एसपी को इतने ओरिजिनल पावर उस सेक्शन में दिए हैं जो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को ही नहीं मालूम। उसमें कहा गया है कि एसपी अपने स्तर पर संज्ञान ले सकता है, मतलब उसे थानेदार के पास जाने की जरूरत नहीं, राइट। वो खुद जांच कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या अपने किसी भी अधीनस्थ को, थानेदार को जरूरी नहीं कि थानेदार को भेजे, उस थाने को भेजे, वो अपने किसी भी अधीनस्थ को वो जांच सौंपेगा, और जैसे ही उस अधीनस्थ को जांच सौंपेगा उस अधीनस्थ को उस थाने के इस केस के लिए सभी अधिकार लीगल राइट्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो कितना बड़ा सेक्शन है, मतलब यदि मान लो कोई थानेदार किसी से प्रभावित है, किसी नेता ने जो है अपने प्रभाव में उसे वहां पोस्ट कराया है, वो उस नेता के बिना और किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो एसपी इस क्लॉज में अपने ही ऑफिस के किसी भी बंदे को लगा दे, किसी को भी कर दे, बिल्कुल। और उसको फिर एसएचओ के पास नहीं जाना है, एसएचओ पर सिग्नेचर भी नहीं कराना है, क्योंकि लीगली वो खुद एसएचओ बन गया उस केस के लिए जी। है पावरफुल के नहीं है, हाँ, लेकिन अब पूरी व्यवस्था ही घिर गई है, तो एसपी भी आपकी बात सुनेगा, ये संभावना थोड़ी सी कम होती जा रही है, कम, ठीक है ना। बल्कि क्योंकि अब वो तो जो है ना, एसपी तो छोड़िए, डीजीपी जो है ना उन्हीं के पीछे लाइन में खड़े हुए हैं, उनका जो हुक्म है वो मान रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो फिर कानून ने जो है कोर्ट के लिए भी प्रावधान किया है कि यदि आपकी बात एसपी भी ना सुने तो आप जो है कोर्ट जा सकते हैं 156(3) सीआरपीसी में, राइट। तो वो कोर्ट के पास जाएगा, यदि कोर्ट भी नहीं सुनती है तो उसी कानून में 482 में हाई कोर्ट को जिम्मेवारी दी गई है, सीएफबी हाई कोर्ट के पास चली जाएगी। और फिर अभी जो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे 5-6 जजमेंट दिए हैं, जिसका सम टोटल ये है कि यदि आपकी रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करना होगा, यदि इसके बावजूद भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा है तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट में बिरले केसेस में, हर केस में तो जाना ना तो जरूर ठीक है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय है, लेकिन जहां लगे कि पानी सिर के ऊपर हो रहा है वह हम सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल और उसमें मदद ले सकते हैं, राइट। फिर सीएफबी जो है ना, जितने भी ये सीनियर ऑफिसर हैं इनको पूरा पलंदा बना के भेजेगा कि साहब इनके विरुद्ध कार्रवाई करिए, और जब भेजेगा तो वो दो तरीके के भेजेगा, एक पर्टिकुलर इवेंट के भेजेगा और फिर पुराने सब भेज देगा कि भैया ये तुम्हारे अधिकारी साहब तो ऐसे ही काम करने के आदी है, तो इस केस में भी नहीं किया और इसके पहले 500 में और नहीं किया है, तो आप इनके विरुद्ध जो है ना कार्रवाई करिए, ठीक है ना। अब अज्यूम करिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाइयां भी नहीं होती हैं, तो फिर इसके बाद ये पुलंदा लेके हम जो है ना एमएलए और एमपी के पास पहुंच सकते हैं, तो उनको यदि हम क्वेश्चन बना के और रिकॉर्ड के साथ देंगे तो उनको तो आनंद ही आ जाएगा ना सरकार को घेरने में, तो हम लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं, और फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है। हमने सरकार को ये आज तक बोध ही नहीं कराया है कि जो अपने आप को वो सॉवरेन और स्वच्छंद मानते हैं, संविधान ने ढेर सारी कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार उनको दिए हुए हैं, तो वो स्वच्छंद नहीं है, राइट। तो जो ये अधिकारों का वितरण है, चूंकि आप तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, ये चीजें शायद नहीं समझते होंगे, ये अधिकारों का वितरण जो है ये संविधान के शेड्यूल 7 में किया गया है। आपने आप जानते हैं, सुना है आपने क्या? नहीं सुना है? नहीं सर, नहीं सुना है। तो आप जो है ना इसमें शेड्यूल 7 लिस्ट 2 कहेंगे तो वो राज्य सरकार की लिस्ट है, शेड्यूल 7 लिस्ट 1 जो है वो केंद्र सरकार की लिस्ट है, और शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एक कॉन्करेंट लिस्ट है जो दोनों की मिली जुली है, राइट। तो लिस्ट 1 में जो है एक एंट्री 1 है जो लाइन ऑर्डर से संबंधित है, और एंट्री 2 है वो पुलिसिंग के लिए है,
तो पुलिसिंग करना जो है राज्य सरकार का कंस्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी स्वच्छंदता नहीं है। और पुलिसिंग में यदि किसी के साथ अपराध घटित हुआ है तो उस पर अपराध पंजीयन एक सबसे कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि सरकार आपका अपराध का पंजीयन नहीं करा रही है तो वो एक संवैधानिक जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर रही है। जी इस भाषा में कभी अपन ने सरकार को कहा? बिल्कुल अभी तक कभी नहीं कहा ना। जी तो यदि यदि मान लो 70, 80 और 90% केसेस में जो है ना FIR दर्ज नहीं हो रही है तो इसे संविधान की फेलोअर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? है बिल्कुल बिल्कुल ना। तो एक संविधान में एक क्लॉज है आर्टिकल 356, आपने सुना है क्या? आर्टिकल 356 सुना है? ये क्या क्या है ये? इतना डिटेल तो नहीं आइडिया है, हाँ, ये न्यूज़ ये वगैरह कहता में। है कि यदि कंस्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका पूरा नहीं होता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए फेलोअर ऑफ कंस्टिट्यूशनल मशीनरी, और कंस्टिट्यूशनल यदि मशीनरी फेल हो रही है तो केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि उस सरकार को वो गिरा सकते हैं। अब आप बताइए यदि हम एक आध दो सरकारों को भी पुलिसिंग की ये मूल जिम्मेवारी का पूरा ना करने के लिए यदि हम उन्हें गिरा देंगे तो किसी भी राज्य सरकार में ये हिम्मत होगी कि वो आपकी FIR दर्ज ना होने दे? बिल्कुल तो ये इसका नजरिया है। फिर जो है उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी से हम सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन लाएंगे, फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम जो है सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस लेके आएंगे जिसमें कि आगे चल के 6 महीने में सभी केसेस का निकाल सुनिश्चित करेंगे। और जी जो अभी 3.19 करोड़ केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं उनको भी 2 साल में डिजॉल्व करेंगे, ऐसा सोच है, राइट? और नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, इसके बाद जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके करके सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन लाएंगे, और फिर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए क्योंकि आप सभी अपराधियों को जान रहे हैं तो भाई उनको अपराधी क्यों बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें आप सज्जन व्यक्ति बनाइए, उन्हें रिहैबिलिटेट कर दीजिए। ऐसी 5 स्ट्रेटेजी जो है क्राइम फ्री भारत की है, और ऐसे ही 5 रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी हैं। तो ये सोच है कि क्राइम फ्री भारत इस तरीके से किया जाएगा। फिर आप सोचते होंगे कि हमने आपसे क्यों बात की, आपका तो जो है ना इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको नहीं लग रहा है कि हमारा आपसे बात करने का मकसद क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है ना, कि जितने ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं करेंगे नहीं तो वो चीज। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे बात करने का मकसद ये है कि हमारे ग्रंथों में ये बात लिखी, 2 चीजें लिखी गई है। एक तो ये लिखी है कि भूखे भजन न होए गोपाला, जाधरी कंठी जाधरी माला, राइट? कबीरदास जी ने ये बात कही है। तो पेट भरा होना बहुत जरूरी है। यदि फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस एंड फाइनेंशियल यदि हम प्रॉस्पेरिटी इस देश में नहीं लाएंगे तो क्राइम फ्री भारत कभी नहीं बन सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। और दूसरी बात है कि हमें भय भी लाना पड़ेगा। तो भगवान राम ने ही रामायण में कहा है कि बिल्कुल जलधि न नहीं बिना न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप बस, भय विन हुए ना पीत। तो सिस्टम में भय पैदा करना पड़ेगा, राइट? जी ये दोनों चीजें जो है CFP इज कमिटेड टू डू। तो हम एक थ्योरी लेके आए हैं, जी स्केयर जर्नी फ्रॉम स्केयर सिटी टू अबंडेंस। स्केयर सिटी हमारी दुष्टता का परिचायक है। नेचर ने किसी भी चीज को स्केयर सिटी में पैदा नहीं किया है। जी और जो गरीबी है, धन है, ये धन कहां से आया है? ये हमने पैदा किया है। करेंसी नोट कहां के हैं? हमने पैदा किए हैं। तो हमने एक व्यवस्था पैदा की, उसमें कुछ लोगों को गरीब कर दिया, कुछ लोगों को अमीर कर दिया। क्या क्या जो है सूरज जब अपनी रोशनी बांटता है और जिसके कारण जो है जीवन का आधार सूर्य की रोशनी है, ये तो आप समझते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, कि यदि सूर्य की रोशनी नहीं आएगी तो आपकी सिंथेसिस ही नहीं होगी, भोजन ही नहीं बनेगा, ना फल पैदा होंगे ना पौधे पैदा होंगे। तो
जी सर। तो क्या सूर्य की रोशनी आपसे पैसे मांगती है अपनी रोशनी देने के लिए? नहीं। जो फल पौधे सूर्य की रोशनी का यूज करके चाहे फल पैदा कर रहे हो, चाहे जो है औषधि पैदा कर रहे हो या क्रॉप पैदा कर रहे हो, वट एवर, क्या वो आपसे पैसे मांगते हैं? नहीं, बिल्कुल है? नहीं मांगते ना। नहीं, नहीं। जो भी गाय है, यदि हम गाय गाय जो है ना दूध देने के लिए आपसे पैसे मांगती है क्या? नहीं, नहीं मांगती है, राइट? जो वो चारा खाती है उसे प्रकृति ने पैदा किया है, उसे सूर्य भगवान की एनर्जी से पैदा हुआ है। तो इसका मतलब है हर चीज अबंडेंस में है। हम और आप किस चीज से पैदा हुए हैं? स्पर्म और ओवम के मिलाप से। अब आप देखिए, जहां स्पर्म और ओवम का मिलाप हो रहा है वो स्केरसिटी में है या अबंडेंस में है? अबंडेंस में है। अबंडेंस में है, इसका मतलब है आपके जन्म से लेके हर जगह अबंडेंस है। ये हमारी दुष्ट प्रवृत्ति है जिसने इसे स्केरसिटी में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करते हैं, राइट? हम इसी अबंडेंस को वापस लेके आ रहे हैं, और वो भी वर्तमान मैनेजमेंट के तहत, ठीक है ना? तो इसमें जो है एक ज्वाइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, रिवार्ड मनी का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, जिसमें अर्थ बाधा नहीं बनेगी जी। और वो जो रिवार्ड मनी रिवार्ड पॉइंट होंगे वो सीएफबी ऐप से इंस्टेंटेनियसली रूपी में कन्वर्ट हो जाएंगे जब आप चाहोगे। अच्छा, लेकिन उसको यदि आप रुपये में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें एक रीडेमिशन फीस रख दी है 10% की, ठीक है ना? हाँ। उसका रीजन ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि आप रुपए में उसे कन्वर्ट करें। भगवान का जो ये रिवार्ड पॉइंट है, ये अवंडेंस वाला, इसको अवंडेंस में रहने दो। हाँ, क्लियर। हाँ। तो इसमें जो है बेसिकली एक ज्वाइंट वेंचर होगा जिसमें किसान जो है इंटीग्रेटेड या कंपोजिट खेती करेंगे, जिसमें फलों के पेड़ होंगे, जिसमें कि औषधियों के पेड़ होंगे, जिसमें कि फॉडर प्लांट्स जो है ना ट्रीज हैं उन वो होंगे, और मल्टी लेयर्ड जो है ना एग्रीकल्चर करेंगे। तो हमारे साथी एक हैं एस डी त्रिपाठी, आपने नाम सुना? नहीं, नॉट एस डी त्रिपाठी, मिस्टर एस त्रिपाठी हैं, ये रीवा के हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एडीजी रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में भी पोस्टेड रहे हैं। इन्होंने एक 5 tier जो है एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। अच्छा। मतलब जो है उसी जमीन पे हम 5 layer में चीजों को पैदा कर सकते हैं। अच्छा। तो 5 layer में जो है चीजों को पैदा करेंगे, राइट? अब जो ऐसे अज्यूम करिए कि आप पेड़ के प्लांट लगा रहे हैं, तो एक नर्सरी में जो कि ज्वाइंट वेंचर में ही होगी, राइट? हाँ, हाँ। वो प्लांट पैदा किए जाएंगे। जैसे ही आपने प्लांट लग गया आपका, उसका एक QR कोड आ जाएगा और आपको आपके एसेट में उस प्लांट अभी बिका नहीं है उसके पैसे जुड़ जाएंगे, राइट? यदि 1 साल तक आपने उसे नहीं बेचा तो चूंकि उसकी 1 साल की उम्र मिल गई है तो जो भी उसकी आप वैल्यू जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ दीजिए। 100 रुपए यदि आपने कहा कि जोड़ देंगे तो 100 रुपए जुड़ गया उसमें। तो वो प्लांट यदि पहले 25 रुपए का है और 1 साल बाद उसकी वैल्यू 100 रुपए, 125 रुपए हो जाएगी, 2 साल बाद उसकी वैल्यू 225 रुपए हो जाएगी, और बिना बेचे वो आपके एसेट में दिखने लग जाएगी। आप चाहें तो उसे रिडीम भी कर सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं? मतलब अभी आपने बेचा नहीं है और अबंडेंस आपके पास आ रही है। तो यदि आपके पास 4 लाख पौधे हैं तो 4 लाख पौधे मल्टीप्लाइड बाय यदि शुरू के हैं तो 25 रुपए आपको मिल गए, तो आप 1 करोड़ आप 1 करोड़ के स्वामी हो गए, राइट? और 1 साल के बाद जो है ना 100 रुपए के हिसाब से आप 4 करोड़ के स्वामी और हो गए। और अभी कहीं बिका नहीं, वो आपके ही खेत में रखा हुआ है। और जो ज्वाइंट वेंचर में गांव के ही युवाओं को यूज करके उनका स्किल डेवलपमेंट करने का विचार है, ठीक है ना? और उनके पास स्पेशलाइज उनके लिए टूल्स बनाए जाएंगे, स्पेशलाइज मशीन्स बनाएंगे, जिससे कि उन्हें अभी जो अनावश्यक श्रम करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। और हमने अपने युवाओं को इतना बर्बाद कर दिया है, फ्री भी देखे और दारू भी पीने लग गए हैं और ये भी हो गया, जितने भी ऐव हैं उन्होंने सब है। तो मेरा एक छोटा सा फार्म हाउस है भोपाल में। अच्छा।
वहां पे जब हम किसी भी मजदूर को बुलाते हैं तो हमारा आज तक का अनुभव रहा है कि वो दोपहर के बाद उसने काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो उसके शरीर में वो ताकत ही नहीं रह रही है शाम तक काम करने की। हाँ, बता सकते हैं। वो जो है ना काम, जहां आप सिर पे खड़े हुए हैं वहां पे तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है उसका। हाँ, तो यदि आप जो है ना उससे इतनी मशक्कत की अपेक्षा करेंगे तो करने की स्थिति में नहीं, उसका शरीर जवाब दे चुका है। तो उसको जो है स्किल डेवलपमेंट करके कुछ मशीनरी और टूल देके उसको गड्ढे भी खोदना है तो एक छोटी सी मशीन रहेगी, वो जाके जो है ना जिस साइज का गड्ढा खोदना है वो खोद जाएगा, राइट? अब चूंकि ये मशीन से काम कर रहा है तो ढेर सारी मशीनें चाहिए होंगी, या एक एक व्यक्ति जाके अलग अलग जगह पे जो है उसका काम सिर्फ गड्ढा ही खोदना है, राइट? तो ऐसे जो है ना बहुत सारे ग्रुप होंगे जिनका काम गड्ढा खोदना है। फिर दूसरा ग्रुप होगा जहाँ से जो है ना प्लांट आके जो है ज्वाइंट वेंचर के तहत उस किसान के पास पहुंच गए, राइट? रिवार्ड पॉइंट का एक्सचेंज हो जा रहा है, किसी को कोई पैसा नहीं दे रहा, राइट? कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा है, कहीं पैसे की जरूरत ही नहीं, राइट? और जो रिवार्ड पॉइंट है वो रिडेमेबल है, वो भी आपके फिंगर टिप पे, ठीक है ना? अच्छा, तो इस तरीके से जो है जिसको प्लांट लगाना है तो ऑर्गेनिक खाद पहुंच जाएगी, वो प्लांट लगाने वाला ग्रुप पहुंचेगा प्लांट लगा देगा। तो वो खेत के मालिक को ये भी चिंता नहीं पालना है कि कौन जो है ना लगाने आ रहा है, वो सीएफ भी बैक एंड पे उसको वो करेगा, ठीक है ना? अब जो है यदि उसको पानी देना है और पानी की व्यवस्था नहीं है तो सीएफबी के जो वाटर वॉलंटियर्स हैं दे विल टेक केयर ऑफ इट, और उनके पास इसका इस काम को इफिशियंट करने के लिए सभी टूल्स होंगे। यदि जरूरत होगा तो वाटर टैंकर भी होगा, राइट? उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, राइट? तो जिस जिस समय पे जिस फ्रिक्वेंसी में पानी देना है, जिस मात्रा में पानी देना है, उस पानी दे दिया, राइट? यदि बीच में लग रहा है कि कुछ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड टाइप का, तो जैसे नीम वीम का जो है ना पानी का जो है ना छिड़काव विड़काव, वो भी अपनी मशीन के साथ आगे कर जाएगा आप उसको अपना काम करने के लिए, कि उसको इमीडिएटली रिवार्ड मनी मिल जाएगी और आपको किसी को 5 पैसे नहीं देना है, आपके खाते में जो है वो उतने नेगेटिव रिवार्ड पॉइंट क्रेडिट में चले जाएंगे, वो आपके एसेट के अगेंस्ट में एडजस्ट होते रहेंगे। तो इस तरीके से अब ऐसे ही जो है जो हमें गाय की ब्रीडिंग करना, कई चीजों को इसमें ऐड किया है, एग्रीकल्चर को, लॉ को, पब्लिक है ना, पब्लिक सेक्टर की चीजों को इसमें जो अब आपका काम क्या है। बेसिकली हमें ऐसे साइंटिस्ट एग्रीकल्चर के चाहिए जिनका जीवन तपस्या हो। तो पहले काम तो आप उनसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करिए, ठीक है ना? आपको जो है ना इन्होंने मिस्टर सुरेंद्र शर्मा ने शायद वो भेजा होगा, जो हमारी कल उनसे चर्चा हुई है, वो यूट्यूब चैनल पर लाइव चर्चा थी। आई डोंट नो उन्होंने नहीं भेजा है, भेजा नहीं है, आज ही सुबह मैसेज आया उनका। नहीं तो आपने वो लाइव चर्चा का उन्होंने लिंक भेजा है आपको क्या? नहीं नहीं अभी नहीं भेजा, वो हम आपको भेज देंगे, तो उसको आप सुनिए। हाँ, वो हम उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो काम करने में आसानी होगी। अब आपको क्या करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपको जो है पहला काम ये करना है कि ऐसे लोगों को का सूची बनाइए जो कि विभिन्न विधाओं में जिनका जीवन तपस्या रहा है। तो वो विधाएं क्या है? कुछ का हो सकता है हॉर्टिकल्चर प्लान, कई का दूसरे का हो सकता है आपका ये कहना चाहिए मेडिसिनल प्लान, राइट? मेडिसिनल प्लान, हाँ। तीसरे का जो है ना फॉडर प्लान, तो हम नीचे फॉडर की फसल नहीं बनाएंगे क्योंकि नीचे तो हम उसमें और कुछ चीज उगाएंगे, ऊपर फॉडर के बड़े बड़े पेड़ रहेंगे, राइट? राइट, तो फॉडर प्लांट रहेंगे। देन इसके बाद जो है उस जगह की मिट्टी के हिसाब से जो है ना, क्योंकि मिट्टी का स्टेटस के लिए भी हम एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमको बनाना होगा, राइट? तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसके लिए गायें चाहिए होंगी, राइट? तो गाय की बहुत उत्तम वैरायटी जो है उनको ब्रीड करना है, तो जो गाय की वैरायटी के बारे में जिनका ज्ञान है ऐसे साइंटिस्ट चाहिए, राइट? तो उनकी सूची बनाइए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आपके साथी हो, या आप कहीं सेमिनार में मिले हो, या आपके वर्कशॉप में कहीं मुलाकात हुई हो,
ठीक है ना, उनकी एक सूची बनाइए अच्छे लोगों की, राइट, और उनको फिर हम कुछ कुछ जिम्मेवारियां सौंपेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है जैसे ज्वाइंट वेंचर के तहत वो ये उच्च कोर्ट की गायें जो है वो की जाएंगी, और एक नया सॉर्टेड स्पर्म का एक फंडा आया है, उससे हम जो है उच्च कोट की गायों की ब्रीडिंग बहुत फास्ट कर सकते हैं, और उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला कह रहा है ना, हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विद द सॉर्टेड सीमेन, राइट। तो सॉर्टेड सीमेन एक बहुत ही यहाँ पे करनाल है ना, नियर आई करनाल यहाँ पे होता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये सॉर्टेड सीमेन और इसका जो है साइंटिस्ट कौन है अपने पास, उनकी सूची अलग बनाइए, ब्रीडिंग के एक्सपर्ट कौन है उनकी सूची अलग बनाइए, ठीक है ना। देन जो है बी कल्चर को हम अलग से ले जाना चाहते हैं, क्योंकि शहद जो है यदि हम उन मेडिसिनल पार्क में पैदा करेंगे जहाँ पे एक पर्टिकुलर वैरायटी का मेडिसिन प्लांट लगा हुआ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि मधुमक्खियों के शहद में वो मेडिसिनल क्वालिटी भी आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये शहद जो है ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, राइट। जी, जी। और जब हम फॉडर में देंगे तो वो मेडिसिनल प्लांट्स जो है ना पत्ते और उसके रूप में गायों को भी देंगे, तो आगे चल के हम पर्टिकुलर मिल्क को ये भी कह सकते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन और बाकी चीजें तो रहेंगी रहेंगी, साथ में उसमें मेडिसिनल वैल्यू भी रहेगी, और हम जो है ना गायों को एक दूध देने की प्रोडक्शन मशीन नहीं मान रहे हैं। गाय जो है हमारे सिद्धेश्वर गुरु जी महाराज का ये कहना है कि मानव जैसे विभिन्न जात उसमें कोटियों में से होते हुए जाति जो आदमी को जो है ये मानव शरीर मिलता है, राइट। तो गाय की आत्मा को अगला जन्म जो है वो शरीर आदमी के उसमें है, मानव शरीर मिलता है उसे, राइट। तो उस दृष्टि से भी जो है ना गाय हमारी माता है, क्योंकि जो आत्मा आ रही है वो गायों से जो है ना मानव शरीर में आती है, ठीक है ना। तो हम गायों का पूरा एहसास बदलें, मतलब उनके जो सेट्स होंगे फलाना होगा ये, उसमें जो है ना मंत्राज चलेंगे, उसमें जो है हवन की व्यवस्था होगी, और हवन भी बहुत उच्च कोटि के मंत्रों के साथ होंगे, तो वो बहुत सुरीली इसकी आवाज होगी, उस आवाज के साथ जो है ना इवन ऑटोमेटेड डिवाइस लगा के हम मंत्राज करेंगे, अपने गिवन समय पे मंत्राज चालू हो जाएंगे, जिससे कि पंडित जी जो है ना गड़बड़ कर गए और समय पे वो चीज नहीं वो नहीं रहेगी। और ये मंत्राज जो है ना ना केवल जो है गायों के लिए होंगे, ये मंत्र क्रॉप के लिए भी होंगे, और हम चाहते हैं कि आगे चल के हम इसमें रिसर्च करें कि इन हमारे हमारे साथ एक प्रोफेसर भी जुड़े हैं, हाँ IIT बॉम्बे से जे आदि नारायण है, बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति है, अब्दुल कलाम उसी तरह है, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है नया, जिसे आपने सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एस स्वामीनाथन ने दिया था एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट में, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो अब उन्होंने जोड़ा है डिजिटल रिवॉल्यूशन, ग्रीन प्लस डिजिटल रिवॉल्यूशन। अब ये बेसिकली जो हम CFB का जो स्केर्सिटी टू अबंडेंस मॉडल ला रहे हैं, इसमें डिजिटल विजिटल सभी चीजें हैं, और इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए एक किसान जो है एकड़ों में कोई चीज पैदा करता है, और उसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट इतनी ज्यादा कर दी है इन केमिकल्स को यूज करके, जिससे कैंसर भी हो रहा है, कि उसको जो है कभी सुसाइड करना पड़ता है, कभी उसको जो है ना ऊपर की शर्ट उसकी गायब हो जाती है, बनियान पहन के काम कर रहा है बेचारा, उसमें भी छेद होते हैं, राइट। तो और उसी का जो प्रोडक्ट है जो 4x6 के ठेले पे या 3x4 के ठेले पे या 3x5 के ठेले पे जो आदमी बेच रहा है, वो उसको उससे 3 गुना या 4 गुना कीमत में बेच पा रहा है, और उसके साथ उसकी मदद के लिए 2 नौकर भी हो गए कि नहीं हो गए। ये हर जगह का सीन है कि नहीं। अभी आप देखिए जो आपकी फल है, आपकी जो सब्जियां हैं, तो जगह जगह पे बड़े बड़े जो है ना आलीशान से जो है ना पंडाल लग गए हैं, जिसमें आप फल खरीदिए सब्जियां खरीदिए, और वो जो है किसान से जो मंडी में खरीद के लाया है उससे 4 गुना कीमत पे बेच रहा है। तो कंज्यूमर को तो 4 गुना कीमत पे मिल रही है, और
जो प्रोड्यूसर है उसको जो है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिल पा रही है। तो ये डीप पॉकेट वाले, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, बड़े बड़े बनिया हो जिनके पास बहुत पैसा है, जो खरीद के अपने स्टॉक में रख लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं और फिर एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी पैदा करके उसमें बहुत धन कमाते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत हम जो है बिकाने का काम भी करेंगे, तो हमारे एक क्वालिटी कंट्रोल का भी एक फंडा रहेगा। और क्वालिटी कंट्रोल जो है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जिसको आप जो मैं जिम्मेवारी दे दो वो दुष्टता करता है, राइट। तो क्वालिटी कंट्रोल यूनिट प्रोडक्शन साइड में भी होगा और कंज्यूमर साइड में भी होगा, राइट। और हम इसको ऑटोमेट करना चाहेंगे कि क्या हम ऐसे सेंसर और ऐसी चीजें और ऐसे वो कर सकते हैं जिससे कि आदमी का ज्ञान कम हो उसमें यूज और ऑब्जेक्टिविटी हम ज्यादा ले आए, राइट। तो वो ने ऐसा डेवलप किया सर ने, वो जो अजय नारायण सर है ना, वो भी अच्छे प्रोडक्ट है हमारे बनारस इंडियन ओके, उन्होंने काफी डेवलप किया है, यूट्यूब सेंटर डेवलप किया है, काफी डेवलप किया है जो किया। अच्छा, अब जो है हमारा सोच इसमें ये है कि हम बीच में से सब मिडिल मैन को गायब कर देंगे, राइट। तो जो है प्रोड्यूसर कौन है, उस प्रोड्यूसर की खुद की ग्रेडिंग क्या है, जो माल वो बेच रहा है वो जो है ना उसकी ग्रेडिंग क्या है, राइट। और उस जो है जिस जगह पे पैदा हुआ है उसकी जियो लोकेशन क्या है, उसका जो है जियो फेंस क्या है, ये सब चीज जो है QR कोड में इंक्लूड होके रीडर के पास जो कंज्यूमर है उसके पास अवेलेबल होगी, राइट। और कंज्यूमर अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से वो जो है ना माल खरीद सकता है। तो यदि मैथ्यू ग्रुप चाहते हैं कि SM भट्ट साहब जो है ना बहुत अच्छे जो है ना धन वो अन्न पैदा कर रहे हैं, फल पैदा कर रहे हैं, शहद पैदा कर रहे हैं, दूध पैदा कर रहे हैं, तो मैं आपका आपका जो है ना प्रोडक्ट को उठा सकता हूँ, राइट। मतलब मैं मेकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके हम जो है ना आपका प्रोडक्ट करेंगे। और इस एंड पे जो है ना कुछ जो है ज्वाइंट वेंचर इस तरीके के लोगों के साथ भी होंगे जो उनका काम पैकेजिंग करना होगा, राइट। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों के साथ भी ज्वाइंट वेंचर होगा, तो इस पूरे काम को इफिशियंटली करते हुए उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और वो जो है ना इफिशियंटली वहां पहुंचाएंगे। अब यदि अज्यूम करिए कि इस एंड पे कुछ गड़बड़ हो गई और जो क्वालिटी जो है ना कंज्यूमर एंड पे पहुंची है वो क्लेम्ड क्वालिटी नहीं है, राइट। तो कंज्यूमर बटन दबा के कंज्यूमर एंड का जो है ना क्वालिटी कंट्रोल यूनिट वहां पहुंच जाएगा और उसका रीअसेसमेंट करेगा, राइट। क्योंकि वो अमेजन जैसा उसे वापस भेजना ठीक नहीं है, तो क्वालिटी कंट्रोलर जो है ना यूनिट है वो उसका कंपनसेशन दो भागों में बांटेगा। एक जो है इस एंड पे जिसने क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया है जिसके लिए उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिली है उस पर पेनल्टी जाएगी और दूसरा किसान पे पेनल्टी जाएगी। तो इस तरीके का एक होलिस्टिक सॉल्यूशन जहां पर पैसे का रोल नहीं रहेगा तो हम हर काम अवंडेंस में कर पाएंगे। अब एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आपके काम क्या क्या हो गए इसमें उसको दोहराता हूं। पहला काम यह है, देखिए किसानों से ज्वाइंट वेंचर करने के लिए तो जो सुरेंद्र शर्मा जैसे जो है ना लोग रहेंगे जो उनको एजुकेट करेंगे, उनको वो करेंगे, लीगल टीम रहेगी जो उनको बाकायदा लीगल डॉक्यूमेंट बनाएगी ज्वाइंट वेंचर का, राइट। आपका आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है कि अगर आप ऐसा वेंचर सोच रहे हैं जैसे आपने बताया तो उसके लिए रजिस्टर्ड एक संस्था बना सकते हैं, इसका नाम है FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है, इसमें मिडिल मैन गायब है। तो आप मुझे जो है देखिए जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं और उनका जो आपको लग रहा है कि हमारे इस कॉन्सेप्ट के लिए लाभदायक हो सकती हैं, आई विल अप्रिशिएट यदि आप उसका जो है ना एक लिस्ट डाउन कर लें। कॉन्सेप्ट यही है, तो इस पूरा कॉन्सेप्ट यही है, इसमें इन्होंने क्या ऐड किया है, जैसे मान लीजिए आपने मध्य प्रदेश में खोला FPO, तो FPO के जो 4 लाख या 5 लाख जो भी फार्मर्स होंगे वो आपसे सिमिलर थॉट से जुड़ सकते हैं बाई पेइंग 2,000 रुपीज एज ए रजिस्टर्ड मेंबर, ठीक है ना। अब वो कंपनी के हो गए मालिक, बात समझ रहे हैं, इक्वल वेंचर में इक्वल शेयर में हो गए मालिक। हम तो उनको ज्वाइंट वेंचर कॉन्सेप्ट में जो ना कर लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। तो
ये जो आप कह रहे हो उसको वैसे ही करेंगे, और उसके साथ में एक और जो है ना उनके साथ ज्वाइंट वेंचर का एक वो होगा कि दे आर मालिक, इस कंपनी के मालिक भी हो जाएंगे और साथ में जो है दे विल बिकम ए ज्वाइंट वेंचरिस्ट आल्सो, राइट। तो ज्वाइंट वेंचर में उनको जो भी चीज है रूल में, बिल्कुल यही रूल है जो आपने बताया ना, उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने बताया हनी का, मेडिकल प्लांट का, नर्सरी का, है ना। इसमें सारा फार्मर के प्रोड्यूस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि फार्मर पैसा लगाएगा सिर्फ 2000 मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए, और वो है गवर्नमेंट की चार्ज। उसमें ये भी नहीं है कि मतलब अकाउंट जैसे खुलेगा और जितना पैसा बचेगा, जैसे मान लीजिए 4 लाख हो गए तो मल्टीप्लाई बाई 2000 होगा, है ना, तो वो अकाउंट में पैसा जमा हो गया। मान लीजिए प्रोसेसिंग सेंटर खोला, जैसे मान लीजिए आलू प्रोड्यूस हुआ पोटेटो, तो पोटेटो अगर बेचने जाएगा फार्मर तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट है कि नहीं भाई इनको हम 10 गुना प्राइस दिलवाएं बाई ओपनिंग आलू चिप्स कंपनी, ठीक है ना, तो उसके लिए नाबार्ड पूरा लोन देती है बहुत ही कम परसेंटेज से। ओके, ठीक है ना, बहुत ही कम परसेंटेज, 4% या 3% है। अच्छा, आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, आपने हमारी बात पूरी सुन ली है। हाँ जी, ठीक है। अब मुझे, चूंकि आई एम नॉट एग्रीकल्चर मैन, मैं शुद्ध पुलिस वाला हूँ, ठीक है ना। अच्छा, वैसे मेरे पास 13 डिग्रियां हैं, लेकिन मैं शुद्ध पुलिस वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी उपयोगी लिटरेचर आपको लगता है, एक लिस्ट बनाए के साथ, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, ये चीज है, और उन उन पॉलिसीज का जो है मुझे एक कॉपी, डिजिटल कॉपी आप भेज दीजिए, तो मैं उसे पढ़ लूंगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि इस कॉन्सेप्ट को जमीन पे उतारने के लिए कंपनी नहीं लगेगी, हमें साइंटिस्ट चाहिए होंगे, हमें जो है ना वो लोग चाहिए होंगे जिनकी एनर्जी हमें इसमें चाहिए, तो जिनका जीवन तपस्या रहा है। मैं आपसे एक फेवर ये चाहता हूँ कि आप जो है उन लोगों की सूची बनाइए, राइट, और वो अलग अलग ग्रुप की सूची बनाए। जैसे एक बताओ हॉर्टिकल्चर प्लांट के लिए, तो अब हॉर्टिकल्चर प्लांट जो है ना क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए हर हॉर्टिकल्चर प्लांट अलग अलग जगह पे होगा, तो हम ऐसे पूरी कंट्री को उतने रीजन में बांट देंगे, और वो जो है ना ज्वाइंट वेंचर के तहत हम वो सैपलिंग तैयार करेंगे, तो सैपलिंग जो है ना तैयार करना एक अलग जो है ना फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट। गाय के ब्रीड तैयार करना एक अलग व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट। हाँ, वो अलग अलग सेक्टर होंगे, राइट। जैसे ही चलो बी कीपिंग है, तो बी कीपिंग का लिए जो एक मॉडल डेवलप करना है, जिससे कि हमारे उसमें हॉर्टिकल्चर प्लांट भी जाएगा, हमारे उसमें मेडिसिनल प्लांट भी जाएगा, हमारे उसमें फॉडर प्लांट भी जाएगा, देन उसमें सीरियल्स रहेंगे, और सभी केमिकल जो है ना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज करना पूर्णतया वर्जित रहेगा, राइट। और उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉट ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम ऑर्गेनिक में चाहते हैं कि आजकल बहुत सारे माइक्रोब्स भी आ गए हैं, तो हम केवल गाय का जो है ना गोबर मूत्र अकेले का यूज नहीं करना चाह रहे हैं, हम अर्थवर्म का यूज भी करेंगे, हम फॉरेस्ट की जो है ना पत्तियों वत्तियों का भी यूज करेंगे, हम जो क्रॉप रेसिड्यूज है उनको भी जो है ना जो अभी आजकल जला देते हैं और प्रदूषण कर रहे हैं, उनको भी हम गलाएंगे, तो या तो हम उनको एथेनॉल वगैरह एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे या उनको खाद में कन्वर्ट करेंगे, राइट। और इसके बाद जो है हम ये चाहेंगे कि माइक्रोब्स का जो किसी को ज्ञान रखता है, तो हमें माइक्रोब्स का एक्सपर्ट चाहिए, जिससे हम कई बार डिलीवरेशन करके पहले उस ज्ञान को हम आत्मसात करेंगे, राइट। और चूंकि इस बारे फील्ड में बहुत रिसर्च हुई है, बहुत काम हुआ है, तो हम जो है जहां भी ऑर्गेनिक खाद रहेगी उसमें उसी समय जब गोबर आया है उसी समय उसमें कुछ जो है ना वो डाल देंगे, उस गुड़ सीरा या जो भी है या गन्ने का वो डाल के, और उसमें माइक्रोब्स डाल देंगे, तो जब तक आपकी गोबर की खाद तैयार हो रही है तब तक वो माइक्रोब्स जो है इतने मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि वो जो है ना करोड़ों 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 हो जाएगा, तो ये खाद खाद ना होके ये खाद की फैक्ट्री बन जाएगी, राइट। और उस समय सॉइल के स्टेटस में हम ऐसे कुछ वो डालना चाहेंगे जिससे कि यदि जो जमीन है उसके लिए पूरा ऑर्गेनिक एंटीडॉट हम दे दें, तो यदि किसी न्यूट्रेंट्स की कमी है तो हम उसका ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट कंपनसेशन क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी हम डालने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारी खाद होगी इट इज एब्सोल्युटली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर सॉइल,
इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इस एंड पे सॉइल का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे एंड पर हम जो है वो गोबर की खाद में वो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यदि हमने उसको 9 कैटेगरी में बांटा तो हम यहाँ 9 कैटेगरी की खाद पैदा करेंगे, राइट। और जैसे हम जो है ना सीरियल्स को जो है ना पैकेजिंग कर रहे हैं, क्यूआर कोड बना रहे हैं, क्योंकि इसमें मक्कारी किसी को नहीं करने देंगे। जो क्राइम फ्री भारत सोच सकता है वो मक्कारी फ्री भारत भी सोचेगा। तो हम जो है ना हम जगह हर जगह जो है ना गड्ढा खोदने का काम पहले सोचते हैं। जिन किसानों को हम अन्न देवता अन्नदाता कहते हैं वही किसान मिट्टी भी मिलाते हैं। तो उसका हर जगह हावी है, देवता कोई नहीं है। अभी हम देवता के रूप में सब दुष्ट बन गए हैं, चाहे वो जो है ना अधिकारी देवता हो तो वो अधिकारी दुष्ट है, चाहे सरकार देवता है तो वो सरकार दुष्ट है, राइट। किसान देवता तो किसान दुष्ट, तो हम सब दुष्टों की फौज बन गए हैं। अब ये बताइए ना कि इस देश में जितना आप दूध कंज्यूम कर रहे हैं उसका 1/3 दूध ही पैदा हो रहा है, तो 2/3 दूध कहाँ से आ रहा है? वो सब यूरिया से केमिकल से बन रहा है, बन रहा है, सही बात। और यदि उस केमिकल से बने दूध को जो भी खाएगा वो 4 साल में उसमें से 87% को कैंसर हो जाएगा। तो हमें दूध की फैक्ट्री लगा रहे हैं केमिकल वाली या कैंसर की फैक्ट्री लगा रहे हैं? तो इस वार्तालाप को अपन यहाँ पे विराम देते हैं। मेरी आपसे 2-3-4 प्रार्थनाएं हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगा। पहला तो हमें हर क्षेत्र के तपस्वी चाहिए। हाँ, जितनी बड़ी फौज हो उतना अच्छा है, ठीक है ना। फिर अपन उनसे गुफ्तगू करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है ना। दूसरा मुझे जो है ना आपकी एक हल्की सी रिपोर्ट चाहिए, चूंकि आप इस फील्ड के हैं, कि शासन क्या क्या कर रही है, 1, 2, 3, 4, राइट, और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, ठीक है ना। तो उनको हम जो है ना एक लॉयर और सीए का ग्रुप बना के उनके जो है ना एक स्टैंडर्ड जो है ना फॉर्मेट बना देंगे, जिससे कागजी कार्रवाई सीएफबी का जो डिजिटल इंजन है वो कंप्लीट कराएगा, ठीक है ना। तो जिससे कि कार्रवाई करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। किसान को नहीं भटकना पड़ेगा। अभी मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट भी एमएनआरई में, एक डायरेक्टर है डॉक्टर सचिन, हमारे फ्रेंड है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। तो उनका ये था कि जैसे जितना भी क्रॉप रेस्ड्यू है या ग्रीन वेस्ट है या गोबर है उसको हम बायो सीएनजी बना सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिक बस चला सकते हैं। नहीं तो हम दोनों काम करेंगे, कुछ कुछ का जो है ना हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में यूज करेंगे, कुछ का हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और जो गाय का जो है हाँ वो बायोफ्यूल बनता है, एथेनॉल बन जाता है, सीएनजी भी बन जाती है। हाँ सीएनजी बन जाएगा, उससे फिर फर्टिलाइजर ही इतना बढ़िया बनता है, वो अच्छी क्वालिटी का होता है। और उसका फायदा ये है कि जैसे अभी एक मेरा फ्रेंड ने जर्मनी से लौट करके पुणे में ये प्रोजेक्ट लगाया है, 300 टन कचरा दे रहा है पर डे, ठीक है ना, उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे रहा है कचरा। उसने 300 टन का प्लांट लगाया है और महाराष्ट्र सरकार ने पूरा खरीद लिया। जस्ट ए मिनट विजयन, मैं आई एम ऑन द अदर फोन, आई विल बी कम्प्लीटिंग इट विद इन 5 मिनट एंड आई विल बी ज्वाइनिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा एक मिनट मिस्टर भट्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि अब अपन इस बात को अपन यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरा सेशन रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस पे जो है एक लोगों की सूची बना लीजिए, ठीक है ना, और अपन को इंडस्ट्री वाले पार्ट में भी अपन को जो है ना उन इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगी जो इस तरीके के ऑलरेडी काम कर रहा है, और हम उनको एक दूसरे कॉन्सेप्ट में भी साथ में लेके, ज्वाइंट वेंचर वाला कॉन्सेप्ट में लेके हम थ्योरी ऑफ अबंडेंस में ले जाना चाहते हैं। तो पैसा एक बाधा नहीं बनेगा, मतलब ना तो टैलेंट बाधा बनेगी, ना स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग बाधा बनेगी, ना ग्राउंड पे उतर के उसका एजुकेशन बाधा बनेगा, और पैसा एक उसमें बाधा सीमा नहीं होगी। जहां से जो भी इनेबलिंग होगी वो अपन ले लेंगे, लेकिन हमें पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोगबाग जो है सीएफबी रिवार्ड पॉइंट के एक्सचेंज से ही जो सब पा पाएंगे, और वो एक्सचेंज भी ऑटोमेटेड तरीके से हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। तो इस बातचीत को अपन यहाँ विराम देते हैं, और फिर अपन जो है ना इसका एक अभी शाम को अपन बात कर लेंगे।
हम लोग जो है इसमें आप सूची बना लीजिए, उसको मुझसे शेयर भी कर लीजिए, फिर एक रणनीति अपन तय करेंगे ऑन वीडियो राइट, एक लाइव करेंगे जिससे कि लोग बाग हमारी बात सुन के भी हमसे जुड़ सके, अदरवाइज लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा। वेबसाइट भी चाहिए सर, वेबसाइट का? अरे अपने पास वेबसाइट है, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, क्राइम फ्री भारत तो बहुत उसके पास चीजें हैं। अच्छा बना हुआ है? हाँ, हम टेक्नोलॉजी भी क्रिएट कर रहे हैं, हम तो जो है ना अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं ना। हाँ, हमें कह रहे हैं कि हम भारत में दोबारा अवेयरनेस अपने मॉडल से लेके आएंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आज बात को यही विराम देते हैं, और जो अपनी चर्चा हुई है उसके हिसाब से आप जो है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेज देता हूं, तो आपको थोड़ा सा कभी यदि दोबारा सुनना पड़े तो आप उसे भी सुन सकते हैं। और इस पे अपन मेरे ख्याल से शाम को एक बार दोबारा चर्चा करेंगे, जरूरत होगा तो अपन इस लाइव अपन लाइव चर्चा करेंगे वो, ठीक है ना। तो तब तक आप एक रूपरेखा बना लीजिए, उन साइंटिस्ट की सूची बना लीजिए, जो रिसोर्स पर्सन की सूची बना लीजिए, उन फर्मों की सूची बना लीजिए, उन पॉलिसीज की सूची बना लीजिए, जिससे कि हम इस चीज को थोड़ा सा गति के साथ जमीन पर उतार सके, राइट। तो बच्चा आप जो है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी सोच को जो है ना साधुवाद देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग इस मिशन में कामयाब होंगे और इस देश को जो है दोबारा सोने की चिड़िया, जहां पे कि दूध और जो है सोने की भी नदियां बहेंगी, इतने वैभव और इतनी सामर्थ्य पैदा करेंगे, इस देश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई उनके बोट को जो है ना दारू देके और साड़ी देके और पैसे देके वो फ्री भी देके नहीं खरीद पाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, जय हिंद जय भारत, जय हिंद।